हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली राजस्थान का प्रथम ऐसा जिला जहां संध्याकालीन में वैक्सीनेशन शिविर चलाया गया। जो किसी कार्य की व्यवस्था में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच सकते उनके लिए रात्रि में शुरू कर वैक्सीनेशन टीका लगाया जा रहा है। पाली शहर के प्रथम दिवस शहर के प्रताप नगर स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित किया गया तथा शहर मुख्य चौराहे सूरजपोल पर रात्रि में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया जिसमें महिला पुरुषों ने भाग लिया गया। भामाशाह पार्षद नरेश मेहता द्वारा निशुल्क दूध की व्यवस्था की गई। कोरोना के चपेट में आने से शहर वासियों को बचाने एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए चिकित्सा विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है। वैक्सीन लगाने के साथ ही दूध निशुल्क पिलाया गया। इस नवाचार को देखने के लिए नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता भी शाम को पाली शहर के प्रताप नगर स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित किए गए नाइट कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था का जायजा लिया। चिकित्सा विभाग डॉक्टर विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पाली जिले में 100% कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा विभाग नवाचार किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पाली ऐसा पहला जिला होगा जहां रात में भी कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यह शाम 5 बजे से लगातार रात 9 बजे तक चलाया गया है। जागरूक टीवी के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।